ये देखो ये केस के अंदर. She's sleeping. Don't disturb. सब जाने को तैयार थे निकलने को और कचरे वाला नहीं क्लीनिंग वाला ट्रक आया इनका, झाड़ू मार के चला गया सबको, सबको क्लीन कर दिया. टॉप नंबर वन कुछ खा लेते हैं. तो मैक्सिकन फिर से खाने का टाइम है. वैसे लेने आए थे सैनिटाइजर. इतने बड़े सुपर मार्केट है तो ढूंढोगे कैसे. तो उनकी ऐप है, उसमें पता पड़ता है कि कौन से सेक्शन में है वो. तो बस उनका वो डालो क्या लेना है, वो सेक्शन बता देगा कौन से सेक्शन में. कन्वीनियंस पे चेस. स्टॉप है हमारा ये डेविल्स ट्रेल. एक घंटा दूर था, सैन फ्रांसिस्को के भी आगे था, लेकिन यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है. हम हमारा कुछ निकाल लेते तब तक. ओह ईगल देखी क्या? इट्स अ क्रो नॉट ईगल. इतना बड़ा. पहले ये रोड थी नॉर्मल कार्स के लिए, लेकिन क्लिफ के बहुत पास है तो ये बंद करनी पड़ी इनको. और ये अब इन्होंने वॉकिंग कर लिया है पूरा. कैन वॉक अराउंड. कितना है 2 माइल? कितना डिस्टेंस है इसका? 1 माइल. टनल का रूट जो है वो अब बना दिया इन्होंने फॉर कार. दिस इज़ अ गुड फॉर वॉक. क्या कह रहे कितने गांधी जी के कितने बंदर है. ओ बंदर सुनाई नहीं दे रहा उसको. सब सुनाई दे रहा है. हवा का टेस्ट भी हो रहा है कि हवा में साउंड कैसी आती है आईफोन में. बहुत हवा है इधर, सब उड़ रहे हैं और साउंड बहुत पता नहीं साउंड आ रही है नहीं आ रही. ऐसे प्लेसेस इंडिया में क्यों नहीं होते? Why?
था, क्या नाम है इसका, डेविल्स ट्रेल, ये खत्म हुआ है अभी और नेक्स्ट हम जा रहे हैं किधर, म्यूर वुड्स, जो रेडवुड फॉरेस्ट प्रॉपर वहाँ पे बना हुआ है, नेशनल पार्क वहाँ जा रहे हैं। और बाहर निकलने के बाद हमेशा फिर वी डू सैनिटाइज अवर सेल्फ क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं यूएस में। इंडिया इज अ सेफ प्लेस राइट नाउ, नॉट यूएस। सो वेयर इज योर मास्क? एक घंटे की ड्राइव के बाद पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे रेडवुड्स। और गुड पार्ट अबाउट दिस इज दैट रेडवुड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, रेडवुड्स वाले ट्रीज हैं यहाँ पे, अंदर अच्छा अंदर है। हाँ, जंगल में आते ही अच्छी खुशबू आने लग गई, कौन सी ट्रीज है पता नहीं लेकिन अच्छी मज़ेदार स्मेल आ रही है यहाँ पे। वाटरफॉल भी है क्या अंदर? क्रीक है। अच्छा क्रीक है, नाइस। अरे बातें खत्म नहीं होती तुम्हारी, चलते रहते हैं। अच्छा, सो क्यूट, वेरी स्लीपी एज वेल। ये सही है, बिल्ली इधर उधर भाग जाती है तो बिल्ली के लिए ऐसा है, उसको साथ में लाना होता, डॉग के साथ तो इजी है। क्या है, वेयर आर वी गोइंग नाउ? Now we are going to Muir Woods, or we reached Muir Woods. And now we are going to see the monumental, the क्या सबसे बड़ा trunk of a tree. Oh, I can see that. And then this is biggest in the world. I don't think so, biggest in the world. How big is this? तुमने तो लिखा कब born? Okay, 909 AD में born हुई थी ये tree. और फिर लेकिन उन्होंने इसको कलर क्यों कर दिया ये सब? प्रिजर्व करने के लिए क्या होगा? नहीं, दे हैव डन, ये है ना लैमिनेशन, थोड़ा बस वार्निश किया। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया था पहले, हमने न्यूजीलैंड में देखा था ये रेडवुड फॉरेस्ट या रेडवुड ट्रीज वहाँ से, ताकि कैलिफोर्निया में जब भी जाएंगे देखेंगे। तो आज वो दिन है रेडवुड फॉरेस्ट में हम, दिस इज द बिगेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, ऐसा कुछ रिकॉर्ड एग्जैक्ट बताता हूँ। दिस इज द ट्रंक ऑफ द लार्जेस्ट ट्री, ट्री फॉर द एजेस। तो यहाँ बुश फायर का बहुत लफड़ा है इधर कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को, व्हाट वाज दैट, वाइल्ड फायर या? हाँ, तो इसके साथ में बिग बेसिन एक जो फॉरेस्ट था वो पूरा जल भी गया उसमें, ये बच गया समाव, तो उसमें बड़े वाले ट्रीज थे। हाँ, सो दे हैड दिस बिग ट्रंक के ट्रीज, यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे हैं ऐसा लग रहा है। टोटल क्या है, 3-4 माइल का है वॉक, और हम कर रहे हैं कुछ 2 माइल अगर हुआ तो पॉसिबल, देखते हैं यू टर्न ले लेंगे कहीं से भी। आई एम टेकिंग अ यू टर्न इन हाफ अ माइल, 100 मीटर में बैठ रहे हैं ऐसा वीडियो के लिए, फोटो के लिए, देखते हैं। पेड़ बहुत मस्त है, कितनी शांति ना, बिल्कुल for anybody else after it got to me.
कितना खाओगे चिप्स? बस करो, भूख लग गई जंगल में। रेडवुड्स में कैसे चल रही है आंटी पीछे? तो यहाँ कैसा लग रहा है, ये थोड़ा सा जो प्योर एयर किसको बोलते हैं यहाँ समझ में आते हैं, मतलब वैसे भी यूएसए में कम पॉल्यूशन है और यहाँ वुड्स में आके तो और कम पॉल्यूशन लग रहा है। तो लग रहा है गहरी सांसें लेते रहो बस, और लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। दो प्यार करने वाले जंगल में खो गए, ऐसी रील बनाने मेरे से खो गए, और पता पड़ा सही में खो गए। सही में खो गए तो कितने सारे वेडिंग फोटोशूट वाले आते हैं। अच्छा आइडिया, यहाँ पे आके वेडिंग फोटोशूट कर लो या फिर टाइटैनिक का पोज कर लो। व्हाट फोटो लो? एग्जिट इधर नहीं है, उधर ही है, पता नहीं बंदिश है। ऐसे शॉप्स भी बनी हुई है यहाँ पे, कुछ लेना हो अंदर के अंदर ही तो, लेकिन ओवर प्राइस रहती है जो भी टूरिस्टी जगह पे शॉप्स रहती हैं, तो यहाँ भी ओवर प्राइस रही है सब कुछ। तो पूनम जी ने एक करा है शॉर्टकट, गर्म पानी ले लिया है, कार में जाके अपनी कॉफ़ी टी बनाएंगे। सो वुड्स वाली कैसी भी जगह हो मुझे बहुत पसंद आती है, और ये स्पेशली रेड वुड है तो मुझे पसंद आया। यहाँ 3-4 माइल वॉक करने के लिए अच्छा है, $15 इसकी 1% की फ़ीस है, पार्किंग फ़ीस कुछ $2 है, और लोग बाग बहुत रहते हैं। अमेरिका में कभी भी आ जाओ पार्किंग फुल रहती है, लोग ही लोग रहते हैं हर जगह। गाड़ी में पेट्रोल भी बहुत कम है, 10 माइल ही चल सकती है अभी, अगला फ्यूल स्टेशन 6 माइल दूर है, तो अभी थोड़ा सा एडवेंचर और बाकी है दिन का, पेट्रोल पंप तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे तो बना के रखे हमारे साथ बने रहे कि हम जा पाएंगे कि नहीं। सही सलामत पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे? बोतल में देते हैं क्या यहाँ पे? नहीं देते। आई वॉज लुकिंग फॉर समबडी, मे बी वी कैन आस्क, राइट? अच्छा, कार में से निकाल के, वरना अगर यहाँ कार रास्ते में खराब बंद हो गई पेट्रोल की वजह से तो बहुत बड़ा फाइन है जैसा मुझे पता है। ओहो, कॉफी इज रेडी। एक आधा सिप वगैरह की थोड़ा सा, तो फ्यूल में तो रेंज भी नहीं दिखा रहा, कभी भी बंद हो सकती है गाड़ी। पेट्रोल पंप ढूंढ रहे हैं, बंद तो नहीं होगी? पास्ता बनाने का प्लान है, सब मिल के पास्ता बनाएंगे। अच्छा, विल मेक फॉर यू, विल मेक पास्ता फॉर यू, अगर फ्यूल स्टेशन पहुंच पाए तो। तीन मेन ब्रिज है सैन फ्रांसिस्को में, गोल्डन गेट 3 बार क्रॉस कर लिया, बे ब्रिज 1 बार क्रॉस कर लिया, और ये रिचमंड ब्रिज था, तो ये भी हो गया कवर। सैन फ्रांसिस्को में कोई चीज बचेगी नहीं अब जो कवर नहीं हुई, ऐसा लग रहा है धीरे धीरे सब कवर होगी, राइट प्राडा? यस ऑलमोस्ट, यू हैव लंबार्ड स्ट्रीट, वो बची है ना अभी? यस दैट्स इट, बट इट्स लाइक दैट्स इट, वो छोटी सी ड्राइव है, वो एक डे ट्रिप और करना पड़ेगा सैन फ्रांसिस्को का। व्हाट्स द पास्ता स्टेटस? इट इज रेडी। रेडी? यस ऑलमोस्ट रेडी, मैम रेडी से इट इज रेडी। ओके wow, I can smell it. So we need 4 good job girls.